ठीक अच्छा, अब जो हम लोग एक हमारा कोर्स है जिसके ऊपर मैं जो है वर्कशॉप बताने जा रहा हूँ, एक हमारी शॉर्ट वर्कशॉप है। इसके अंदर हमारा कोर्स है एडवांस एक्सेल का। इसके अंदर हम लोग जो है वो फोकस करते हैं एक्सेल के जो है वो फंक्शंस हो गए, एक्सेल के फॉर्मूलाज हो गए, हमारे फेवरेट टेबल हो गया, हमारे जो है कंडीशन फॉर्मेटिंग हो गई, हमारी ड्रॉप डाउन लिस्ट हो गई, हमारी जो है वो एक्सेल के अंदर डेटा की प्रेजेंटेशन हो गई, डेटा की मैनेजमेंट हो गई। ठीक है, तो उसका एक ब्रीफ में इंट्रोडक्शन देता हूँ इस प्रेजेंटेशन के अंदर कि हमारी जो है वो क्या क्या चीज़ें कवर अप होंगी इस कोर्स के अंदर। सबसे पहले जो है वो ये हमारा कोर्स का नाम आ गया कि जो है वो एडवांस एक्सेल कोर्स है। हम लोग कैसे डाटा को मैनेज करेंगे एक्सेल के अंदर। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं जो है वो बात करूंगा वर्कशीट्स की, डेटा मैनेजमेंट की एंड सेफ वर्कशीट्स की। अच्छा, जब डेटा मैनेजमेंट की बात करते हैं तो मैनेजिंग डेटा के अंदर हर कंपनी की डिफरेंट रिक्वायरमेंट होती है कि उसको डेटा जो है वो किस तरीके से मैनेज हुआ चाहिए। कुछ कंपनी की रिक्वायरमेंट होती है कि हमें एक्सेल शीट के ऊपर चाहिए, कुछ कहते नहीं बुक्स के अंदर चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं आपको एग्जाम्पल दूँ कि एक स्कूल की, तो स्कूल वाले कहते हैं कि अगर हमारी एक क्लास है या एक टीचर है तो उसका डाटा एक शीट के अंदर हो, कुछ कहते नहीं एक शीट में नहीं एक वर्कबुक के अंदर हो। तो अगर वो वर्कबुक के अंदर है, शीट के अंदर है, तो उसको मैनेज किस तरह करना, डेटा को मर्ज किस तरह से करना, उस चीज़ को कवर करते हैं इस कोर्स के अंदर। सेकेंड हमारा आता है डेटा मैनेजमेंट की, वही चीज़ है कि जो है वो मैनेज अगेन किस तरीके से डेटा मैनेज हो रहा है। तो डेटा मैनेज होगा तो फिर उसकी एक विजुलाइजेशन में जो है वो हम लोग देख सकते हैं। जैसे कि ये चीज़ होती है कि हम लोग जो है वो किस तरीके से डेटा को यूज़ करते हैं, लेकिन जो है वो डेटा मैनेजमेंट का जो नेक्स्ट स्टेप होता है वो हमारा होता है डेटा को यूज़ करना, विच इज़ कॉल्ड डैशबोर्ड रिपोर्टिंग, जो हम लोग इस कोर्स के अंदर कवर करते हैं। अच्छा, सेव वर्कबुक के अंदर, वर्कशीट के अंदर जो हम लोग चीज़ कवर करते हैं वो चीज़ होती है कि हम लोग डेटा को सेव कहाँ पे करके रख रहे हैं, किसी क्लाउड के ऊपर हमने सेव किया हुआ है, या फिर हम लोग जो है वो अपने लोकल ड्राइव के अंदर किया हुआ है, कोई हमारा पर्सनल नेटवर्क है उसके ऊपर हमने शेयरिंग की हुई है, एक यूज़र है उस वर्कशीट का या मल्टीपल यूजर्स हैं, तो वो सब चीज़ें जो है वो इस क्वेश्चन में हम लोग कवर करते हैं एडवांस एक्सेल के अंदर। ये देखते हैं किस तरीके से हम लोग जो है वो शेयरिंग कर सकते हैं शीट्स की, और जो है वो किस तरीके से डेटा को मैनेज करते हैं। सेकेंडली हम लोग जो चीज़ें यूज़ करते हैं इसके अंदर वो एक्सेल के फॉर्मूलाज होते हैं, फंक्शंस होते हैं, डिफरेंट चार्ट्स होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं फॉर्मूला की बात करूँ तो फॉर्मूला आप खुद क्रिएट करते हो और फंक्शन जो है वो आप यूज़ करते हो जो आपको बना बनाया एक्सेल दे देता है। फॉर एग्जाम्पल, सम है, एवरेज है, काउंट है, सम इफ है, काउंट इफ्स है, पिवट टेबल है, बहुत सारे जो है वो फंक्शन होते हैं। नॉर्मली जो लोग यूज़ कर रहे होते हैं वो एवरेज का, सम का, बहुत बेसिक्स वाले हैं, इसको भी कवर करेंगे। और जो है वो वी लुकअप है हमारा, इफ एरर है, और इसके अंदर जो है वो जब हम फार्मूला की बात करते हैं तो फार्मूला हम लोग क्रिएट करते हैं। जैसे इसके अंदर मैंने एग्जाम्पल शो की हुई है 4+3, इसी तरीके से नॉर्मली जो बहुत बेसिक फार्मूला हम लोग यूज़ करते हैं वो होता है परसेंटेज का, कि कितना आपने स्कोर किया और कितने में से स्कोर किया, तो उसको डिवाइड करके सिंपल परसेंटेज। तो वो एक बहुत सिंपल फार्मूला, इसके मैंने एग्जाम्पल दी। बाकी जब हम लोग एडवांस एक्सेल के कोर्स की बात करते हैं तो उसके अंदर हम लोग एडवांस फार्मूलाज को फोकस करते हैं, उसके ऊपर वर्क करते हैं, डिफरेंट फंक्शंस को कंबाइन करके किस तरीके से यूज़ करना, कॉलम्स का फॉर्मूला, कॉलम्स का फंक्शन है, रॉस का फंक्शन है, वो क्या काम करता है, किस तरह से यूज होता है। ठीक है, फिर जब हम लोग फॉर्मूला और फंक्शन के बजाय हमारे गिरे को आ जाते हैं तो हम लोग बात करते हैं चार्ट्स की। हमारा डेटा परसेंटेजेस में है तो हम लोग बार चार्ट को यूज़ करना चाहिए, हमें पाई चार्ट को यूज़ करना चाहिए, डोनट चार्ट को यूज़ करना चाहिए, किस तरीके से प्रेजेंट करना चाहिए, तो वो चीज़ हम लोग इसमें सीखते हैं। सेकेंडली, विजुलाइजेशन ऑफ डेटा एंड मैक्रोज। विजुअलाइजेशन ऑफ डेटा के अंदर जो है वो हमारा डैशबोर्ड आ जाता है, जिसके अंदर हम लोग जो है वो इंटरेक्टिव डैशबोर्ड होता है, जिसके अंदर हमारे डिफरेंट चार्ट्स होते हैं, वो हमारे स्लाइसर हमारा एक टूल होता है एडवांस एक्सेल के अंदर, जिसको हम लोग यूज़ करते हुए जो है वो डेटा की विजुअलाइजेशन देखते हैं। मैक्रोस हमारा जो है वो हमारे ऑटोमेशन के लिए यूज़ होता है, जो डेटा हम डेली बेसिस के ऊपर पुट कर रहे हैं वो हमें मैनुअल ना करना पड़े, हम लोग जो है वो मैक्रो के अंदर रिकॉर्ड करके उसको हम अपने स्टेप्स को मिनिमाइज करते हैं, इस चीज़ को मैक्रोस के ऊपर फोकस करते हैं। और विजुलाइजेशन के अंदर हमारा डैशबोर्ड आ जाता है इंटरेक्टिव, उसके ऊपर फोकस करते हैं एडवांस एक्सेल के कोर्स के अंदर। और जो है वो बाकी पूरी हमारी जो है वो कोर्स कंटेंट अवेलेबल है, जिसके ऊपर जो है वो डिटेल के अंदर सारी चीज़ें मेंशन है कि जो है वो क्या क्या चीज़ें कवर होंगी। ये जो है वो एक शॉर्ट मैंने शॉर्ट जो है वो बताया है कि इसके अंदर क्या क्या चीज़ें हम लोग कवर करते हैं। फर्स्ट हमने बात की मैनेजमेंट की, डेटा मैनेज किस तरीके से होगा, वर्कशीट के अंदर है, वर्कबुक्स के अंदर है, सेव जो है वो ड्राइव पे हो रहा है, लोकल ड्राइव पे हो रहा है, ऑनलाइन हो रहा है। फिर हमने बात की फंक्शंस के, फॉर्मूलाज की, चार्ट कौन से यूज करेंगे, डेटा विजुलाइजेशन किस तरह होगी, अगेन
वही चीज़ है, फंक्शंस आपको आता है लेकिन उसको किस सिनेरियो में कब यूज़ करना, वो चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। तो वो चीज़ सीखेंगे कि भाई किस तरीके से कौन से फंक्शन को किस सिनेरियो में यूज़ करना। फिर हमने बात की उसकी विजुअलाइजेशन ऑफ डेटा ऑफ मैक्रोस की, वो किस तरीके से स्टेप्स को मिनिमाइज कर सकते हैं मैक्रोस को यूज़ करते हुए, और जो है वो किस तरीके से हम लोग डैशबोर्ड क्रिएट कर सकते हैं, डाटा की विजुअलाइजेशन बना सकते हैं। बिकॉज नाउ डेज इफ यू टॉक अबाउट द डेटा विजुअलाइजेशन, सो इट इज टोटली डिफरेंट है नाउ। पीपल आर नॉट फोकसिंग ऑन द मैनेजिंग ऑफ डेटा, दे आर फोकसिंग ऑन द क्रिएटिंग द डैशबोर्ड्स। सो ऑब्वियसली द विजुअलाइजेशन ऑफ डेटा इज वेरी इंपॉर्टेंट नाउ डेज। सो दैट्स इट फ्रॉम द एडवांस एक्सेल कोर्स। ओके, सो आई एम एंडिंग इट ओवर हियर। दिस इज द कॉन्टैक्ट नंबर इफ यू वांट टू रजिस्टर, सो जस्ट कॉन्टैक्ट ऑन इट।